जी, क्या नाम है आपका? कुंवर कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आज आपने प्रेस वार्ता की है ब्रजभूषण के समर्थन में, बताया क्या पूरा मामला, क्यों आज आप लोगों को प्रेस वार्ता करने के लिए? हमें प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनवरी में इन महिला पहलवानों ने धरना दिया था ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। ठीक है, खेल मंत्रालय इनका आपस का मंत्रालय, वो खिलाड़ी, वो अध्यक्ष। खेल मंत्रालय ने मैरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, उसकी जाँच रिपोर्ट कुछ आई कुछ नहीं आई, लेकिन उसकी जाँच रिपोर्ट आने से पहले ही इन लोगों ने क्या किया, अब फिर धरने बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्होंने कि FIR दर्ज करा दो। सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करा के आदेश दे दिए, FIR दर्ज हो गई। अब FIR दर्ज हो गई, अब क्या करें जी, इसके बाद क्या चाहिए ना, क्यों बैठे धरने पे? उसके बाद हमें एक बार दुख हुआ कि टिकैत साहब का, टिकैत यूनियन जो है और सरुखा पंचायत जो हमारे यहाँ जाट जाते संबंधित हैं, और जयंत चौधरी साहब, जबकि वो तो लोकदल के नेता हैं, लोकदल में राजपूत, जाट, बनिया, ब्राह्मण, त्यागी सभी हैं, भारतीय किसान यूनियन भी सभी हैं। ये लोग जंतर मंतर में उन महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे हैं। भाई तुम उनके समर्थन में क्यों जा रहे हो? क्या केवल इसलिए कि वो जाट हैं? नहीं, महिला या पुरुष खिलाड़ी कोई भी हो, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता। अगर उनके साथ शोषण हुआ है, हम उनके साथ हैं, बच्चियाँ सबकी हैं, खिलाड़ी हैं, बराबर हैं। जिस तरह से खाप पंचायत ने समर्थन दिया, आज मुजफ्फरनगर से दिल्ली जंतर मंतर में भी खाप पंचायत पहुँच चुकी है, आज कोई बड़ा निर्णय वहाँ से भी ले सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हम ये कहेंगे जो वो निर्णय लेंगे, अगर वो समाज हित में निर्णय है, देश हित में निर्णय है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो जाति के प्रति विद्वेष की भावना सिर्फ ये देख के कि उनके साथ शेषण, केवल सीबी देख के ब्रजभूषण सिंह राजपूत है, केवल किसी लिए के महिला पहलवान जाट है, केवल जाति की राजनीति अगर वो करते हैं, तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ रहेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है जंतर मंतर को? जंतर मंतर को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है? आप देखिए 2012 में दीपेंद्र हुड्डा ने जो है इसका फेडरेशन का पर्चा भरा था, उसका वापस करा दिया गया था, निर्विरोध ये हो गए थे। तो तब से फांस दिए दीपेंद्र हुड्डा के दिल में है, ये फांस है कि मुझे कटा के उसके बाद ये जीते, दोबारा जीते। और उसके बाद इन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, बिना किसी ट्रायल क्वालिफाई के विदेश खेलने नहीं जाएगा, चाहे ओलंपिक हो, चाहे ये कॉमनवेल्थ के गेम हो या राष्ट्रीय गेम, कोई भी हो। इसमें जो है मेन लड़ाई यही है। अब ये जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये कौन है, ये पूनिया, ये सब क्या है, चाहते हैं कि हमारा कोई ट्रायल ना देना पड़े, कोई भी कष्ट ना हो शरीर को, वहां पहुंच जाए। एक एक कर दिया कि सभी राज्यों का कोटा फिक्स कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बाहर कौन जाता है? हरियाणा। हरियाणा क्या लग रहा है, ये दो वर्चस्व की लड़ाई, एक तरफ जाट समाज होगा, एक तरफ राजपूत समाज होगा, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई लग रही है? नहीं, ये राजपूत जाट तो बाद में जाएगा, जब तक जांच नहीं होती, लेकिन हम तो एक जवाब दे रहे हैं। हम टिकैत यूनियन सरुखा पंचायत को केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने आप में बहुत बड़े कि मैं ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर, तुमसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तुमसे ज्यादा जमीन है, तुमसे ज्यादा आदमी है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा दिल्ली हौसला है, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी बच्ची हमारी है, हम फिर भी कह रहे हैं, हम फिर भी जाति की राजनीति नहीं करते। अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ है तो ब्रजभूषण सिंह को सजा मिलनी चाहिए, और नहीं हुआ है तो उन पीछे खड़ी हुई ताकतों को, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह आरोप पे लड़कियां लगा रही है, सभी लोग उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं, क्या आप उनके आरोपों को सही मानते हैं? पहले भी इसमें जांच हुई है, अब पॉक्सो में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मैं उन आरोप के बारे में बताना चाहता हूँ। विनेश फोगाट जी का आरोप है 2015 में टर्की में उनके साथ गलत तरीके से छुआछूत अध्यक्ष ने की, लेकिन जब समिति ने ही जांच करी तो 2015 में ब्रजभूषण सिंह टर्की ही नहीं गए। एक लड़की ओल है, उसका नाम नहीं, के नाम मेरे दिमाग फिसल रहा है कि साक्षी है या कोई और है, मैंने उसका फोटो खुद इंस्टाग्राम पे देखा, अपनी शादी का कार्ड दे रही थी ब्रजभूषण सिंह को कि मेरे पितृतुल्य अध्यक्ष को मेरी शादी का पहला कार्ड। वो पितृतुल्य अध्यक्ष एकदम यौन शोषण का आरोपी कैसे हो गया? ये आरोप लगाने में गलत है, बिल्कुल गलत है। राजपूत स्वाभिमान मंच किस तरह की रणनीति बनाएगा अगर इस तरह चलता है? राजपूत स्वाभिमान मंच की रणनीति ये है कि पहले तो हम देखेंगे कि सरुखा पंचायत, विपक्षी दल, लोक दल या हमारे भी ये दल, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये देखते हैं कि आज राजपूत तो आपने को ऐसा है महसूस कर रहा कि हमारी तो जाति का भी पार्टी का नेता, कोई बीजेपी का, लोकदल का वो नहीं बोल रहा, और ये दूसरी जाति के नेता चाहे बीजेपी के हो चाहे कुछ हो, कुछ सब इसके समर्थन में बोल रहे। ठाकुर साहब भी लड़ाई लड़ने को तैयार, लड़ाई लड़ेगा, और अगर कोई नहीं बोलने का, सपोज दैट हम राजनीतिक रूप से अभी मानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमजोर है राजनीतिक रूप से, लेकिन हम ये इन लोगों को जो हमारी वोट पर केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं,
हमारी वोट पर खाली एमएलए और एमपी बोल रहे हैं और फिर इन्हें हराने के लिए दूसरी को वोट दें, वो भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर यही मामला चल, यही मामला रहा, और इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाएंगे कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए जब तक।